लगातार कर्नल लांबा का भी यहाँ पे आ गया है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, ट्विटर हैंडल में हमारे कर्नल लांबा जी ने DADROP2 15 दिसंबर से पहले यहाँ पे सबसे बड़ी खबर अब तक की निकल के आ गई। जी हाँ, पूरा विवरण करेंगे सभी पेंशन धारक और पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों को बता दे कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट न्यूज हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं जानकारी ध्यान से। पहले तमाम भूतपूर्व सैनिक व पेंशन धारक व भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है हमारे ओआरओपी की अपडेट पे, जहां पे हमारे पेंशन धारक व पेंशन धारक को उनका वेलफेयर, उनका प्रिजल, उनके हित की बात, उनके हक की बात मिलती है। तमाम भूतपूर्व सैनिकों से निवेदन है कि चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलते रहे। इसी के साथ आप ये भी चैनल को वीडियो को पूरा देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे DADR पे एक बहुत बड़ा मैसेज निकल के आ रहा है जो कि कर्नल लांबा जी ने बताया, इफ नॉट DA and DR एरियर देन ORP2 एज यू कंसीव। देख सकते हैं यहाँ पे कंसीव देन नॉट अ रॉकेट साइंस एज लास्ट डेट इज 15 दिसंबर एज पर सुप्रीम कोर्ट रिवाइज वर्डिक्ट। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपका मंडिक। देखिए यहाँ पे इफ DADR का एरिया जब हमारी सरकार मतलब देने में असक्षम है, मतलब अगर नहीं दे पा रही है, तो ये कोई तो आप समझ जाइए यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं लग जाएगा कि आपको 15 दिसंबर से पहले ORP की। ये कर्नल लांबा जी का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। बट दिस इज ट्रू मे नॉट बी कमिंग एज नो गवर्नमेंट प्रेस न्यूज, मतलब कि यहाँ पे नो गवर्नमेंट कोई प्रेस न्यूज नहीं निकल के आई ना, और फाइनेंस मिनिस्ट्री फंड रिलीज ना ही कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो फंड रिलीज होता है उसका नोटिफिकेशन PIB की तरफ से या फिर किसी ऑफिशियल माध्यम से ना निकली है। तो इससे उनको उम्मीद लगाई जा रही है। इनको कहने का मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पेंशन भोगियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। तो रिलीज टिल डेट दिस में अगेन बी डिलेड फर्दर, इनका कहना है कि ये देखिए 1 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर है कि दिस में अगेन बी डिले फर्दर, मतलब ये अगेन डिले हो सकता है, मतलब कि एक्सटेंशन मिल सकता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि हमारे केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से इसका डिले का फायदा मिलेगा और पेंशन भोगियों को लटकाया जाएगा। इस कहने का मतलब यह है कि ORP पर जो है कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई और ना ही DADR का अब तक अपडेट आया। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि DADR का भी हमारे पास नोटिस आ चुका है कि यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, आप देख सकते हैं, जहाँ पे 18 महीने का जो DADR था उस पर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ यहाँ पे बैठक हुई, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 1 जून 2020 से 30 जून 2021 तक जो 18 महीने का कोरोना वायरस के दौरान हुआ था, मतलब रोक दिया गया था, वो मिलने का यहाँ पे घोषणा और जताई जा रही है। वहीं आप देखेंगे तो कई ट्विटर में माध्यम से आपको ORP की न्यूज मेजर सुबीर साहब और अन्यथा के मिल जाएगी। चलिए इसके बाद वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।